2023 का आगाज हो चुका है। लोगों ने जश्न मनाकर साल 2022 को विदा किया और साल 2023 नई उम्मीदों और आशाओं से भरा हो। सभी के जीवन में ये नया साल मंगल लेकर आए। हिंदुस्तान से लेकर पूरी दुनिया में नए साल का जश्न बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, मसूरी सहित देश के कोने कोने में लोगों ने नए साल का जश्न मनाया। ये नया साल 2023 देश के हर नागरिक के लिए शुभ हो, उनकी सेहत, शिक्षा, भविष्य की सारी आकांक्षाएं पूर्ण हों। तो ये 5 तस्वीरें आपको दिखा रहा है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, गोवा और उत्तराखंड की, कि आखिर किस तरीके से जश्न की तस्वीरें निकलकर सामने आई, लोग किस तरीके से जश्न नए साल का मनाते हुए नजर आए। और चेन्नई, मसूरी और मनाली की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए लोगों के अंदर किस तरीके का उत्साह था नए साल को लेकर। कहीं पर लोग पटाखे फोड़ते हुए नजर आए तो कहीं पर नाचते गाते थिरकते हुए नए साल का स्वागत किया गया। तो दुनिया के कोने कोने में नए साल का जश्न बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग समेत नॉर्थ कोरिया में नए साल का जश्न मनाया गया, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हांगकांग, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और उत्तर कोरिया की तस्वीरें, जहां पर किस तरीके से जश्न मनाया गया। सिर्फ भारत में नहीं, विदेश में भी किस तरीके से नए साल का स्वागत किया गया, उसकी ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं विदेश की धरती से। तो साल 2023 का आगाज हो चुका है, लोगों ने जश्न मनाकर साल 2022 को विदा किया। साल 2023 नई उम्मीदों और आशाओं से भरा हो। सभी के जीवन में नया साल मंगल लेकर आए। हिंदुस्तान से लेकर पूरी दुनिया में नए साल का जश्न बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, मसूरी सहित देश के कोने कोने में लोगों ने नए साल का जश्न का आगाज किया। ये नया साल 2023 देश के हर नागरिक के लिए शुभ हो, उनकी सेहत, शिक्षा, भविष्य की सारी आकांक्षाएं पूरी हो। तो नए साल के स्वागत में दुबई में भी आतिशबाजी की कमी नहीं रही। यहां दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा पर पटाखों के साथ लोगों ने नए साल का जश्न मनाया। तस्वीर आपको बुर्ज खलीफा की दिखा रहे हैं, सबसे ऊंची बिल्डिंग और किस तरीके से ऊंची बिल्डिंग पर नए साल का सुरूर देखने को मिला। लाइटिंग के जरिए देखिए किस तरीके से नए साल का जश्न, नए साल का आगाज यहां पर किया गया। ब्रिटेन की राजधानी लंदन में भी नए साल का जोरदार स्वागत हुआ। पूरा शहर रोशनी से जगमगा उठा। नए साल के स्वागत में लोगों ने जमकर आतिशबाजी की। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जिस वक्त घड़ी में 12 बजे, उस वक्त किस तरीके से लंदन में भी जोरदार स्वागत किया गया 2023 का। और हर किसी के मन में यही कामना कि आने वाला साल मंगलमय हो हर किसी के लिए। नई आशाओं के साथ नए साल 2023 का आगाज हो चुका है। भगवान भोले की नगरी वाराणसी में नए साल के मौके पर भोर में विशेष गंगा आरती का आयोजन किया गया। सुबह सुबह पूरे विधि विधान के साथ गंगा किनारे आरती हुई, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। नए साल की शुरुआत करने भगवान महाकाल के आंगन में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ गया।
भारी संख्या में श्रद्धालु भगवान महाकाल का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे। महाकालेश्वर मंदिर में सुबह सुबह हुई भस्म आरती में हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। उधर आंध्र प्रदेश में भगवान तिरुपति बालाजी के मंदिर में भी नए साल के मौके पर भक्तों का हुजूम नजर आया। देश के अलग अलग हिस्सों से पहुंचे तिरुपति बालाजी के भक्तों ने अपने आराध्य के दर्शन पूजन किए। वेलकम संयुक्त अरब अमीरात और पाकिस्तान में भी मनाया गया। संयुक्त अरब अमीरात में न्यू ईयर के वेलकम में के दौरान गजब की आतिशबाजी का प्रदर्शन किया गया। 452 पायरो ड्रोन और 15,000 छोटी लाइट्स के जरिए रोशनी का अद्भुत संसार दिखाई दिया। तो वहीं पाकिस्तान में नए साल का जोरदार स्वागत किया गया। कराची में हजारों की संख्या में लोग सड़क पर दिखाई दिए। यहाँ भी आतिशबाजी, डांस और म्यूजिकल बैंड के जरिए न्यू ईयर का जश्न मनाया गया। पूरी दुनिया ने नए साल 2023 का दिल खोलकर स्वागत किया। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, नॉर्थ कोरिया से जश्न के जबरदस्त वीडियो सामने आए। इन वीडियो में शानदार आतिशबाजी होती हुई नजर आई। सिडनी में तो जैसे ही 12 बजे पूरा आसमान रोशनी में नहा उठा। ड्रोन कैमरे से ली गई आतिशबाजी की तस्वीरें गजब का नजारा पेश कर रही थी। लाइटिंग और पटाखों की रोशनी में पूरा सिडनी शहर नहाया हुआ नजर आया। सिडनी हार्बर के आसपास लाखों की संख्या में लोग नए साल के स्वागत के लिए जुटे थे। ऑस्ट्रेलिया की तरह ही न्यूजीलैंड में न्यू ईयर के वेलकम के लिए बेहद खास इंतजाम थे। ऑकलैंड में स्काई टावर पर भव्य आतिशबाजी देखने को मिली। बड़ी संख्या में लोग स्काई टावर के नीचे इकट्ठा हुए थे। शानदार आतिशबाजी और विशाल लाइट शो के साथ नए साल की शुरुआत की गई। लोगों ने एक दूसरे को बधाई दी और जश्न मनाया। तो नॉर्थ कोरिया और हांगकांग से भी नए साल के जश्न की बेहद शानदार तस्वीरें सामने आई, जिसमें राजधानी प्योंगयांग में भव्य आतिशबाजी होती हुई नजर आई। 12 बजते ही ऊंची इमारतों से रंग बिरंगी रोशनी के साथ आतिशबाजी होती दिखी और शानदार लेजर शो से माहौल पूरी तरह बदल गया। इस दौरान लोग अपने मोबाइल फोन में इस अद्भुत नजारे को कैद करते हुए नजर आए। नए साल पर जश्न की भव्य तस्वीरें हांगकांग से भी सामने आई, जहां गगनचुंबी इमारतों को सुंदर लाइटिंग से सजाया गया था। 2022 के खत्म होते और 2023 के शुरू होते ही इन इमारतों से शानदार आतिशबाजी शुरू हो गई। पूरा इलाका लेजर लाइट और पटाखों की रोशनी से नहा उठा। बड़ी संख्या में लोग इस खूबसूरत नजारे को अपनी यादों में कैद के लिए घरों से बाहर उमड़े थे। वहीं न्यू ईयर के वेलकम के दौरान म्यूजिकल बैंड की तरफ से दिलकश प्रस्तुति दी गई। उधर नए साल के जश्न के दौरान बेंगलुरु में अफरा तफरी मच गई। भीड़ को कंट्रोल में करने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा और इस दौरान कुछ लोग पुलिस कर्मियों से उलझते हुए नजर आए। बताया गया कि एमजी रोड पर नए साल के जश्न के लिए हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। भीड़ इतनी बढ़ गई कि मौके पर तैनात पुलिस वालों को सख्ती करनी पड़ी। देर रात पुलिस वालों ने जश्न मना रहे लोगों से जब घर वापस लौटने को कहा तो लोग भड़क गए, पुलिस वालों से उलझ गए। पुलिस कर्मियों ने लाठी के जरिए लोगों को इधर उधर किया। अफरा तफरी के दौरान कुछ लोग जमीन पर गिर पड़े, जिन्हें पुलिस वालों ने उठाया। बेकाबू भीड़ को कंट्रोल में करने के लिए पुलिस वालों के पसीने छूट गए। नए साल के मौके पर जम्मू में माता वैष्णो देवी के दरबार में भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। कड़ाके की ठंड के बावजूद माता के दर्शन के लिए लोगों की लंबी कतारें दिखी और सभी अपनी बारी का इंतजार करते हुए दिखाई दिए। देश के अलग अलग हिस्सों से आने वाले भक्तों को जय माता दी का जयकारा लगाते हुए देखा गया। सभी के मन में बस एक ही इच्छा थी कि नए साल के मौके पर वो माता रानी के दर्शन कर पाए। हर बार की आते हैं नए साल पे, 5-6 साल हो गए हमें लगातार आते हुए माता रानी के दर्शन करते हुए, हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। कतार में लगे भक्तों को माता रानी की आरती के लाइव दर्शन हो सके, इसके लिए मुख्य द्वार के पास बड़ी सी स्क्रीन का इंतजाम किया गया था।
माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने पहुँचे भक्तों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए प्रशासन की तरफ से खास इंतजाम किए गए। जगह जगह पुलिसकर्मी चेकिंग करते हुए नजर आए, भीड़ को नियंत्रित करते हुए दिखे, क्योंकि बीते साल जनवरी में नए साल के मौके पर ही भगदड़ में कई श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी।